आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट इसमें हम देखेंगे कि वकत के गुजरने के साथ साथ एलिफेंट्स पे क्या क्या चेंजेस आए हैं और एलिफेंट्स की कौन कौन सी स्पेशी वकत के किस किस टाइम में रही है तो अगर हम सबसे पहले देखें कि व्हाट इज एवोल्यूशन एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इसमें हम ये देखते हैं के किस स्पेशी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज की हैं और ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली ये जीन्स के एक्सप्रेशन होते हैं जो कोई भी ऑस्ट अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और जो अगर हम बात करें कि एलिफेंट्स की के एवोल्यूशन कैसे एलिफेंट्स पे इफेक्ट की है तो ये जो मेजिस्टिक क्रिएचर्स हैं प्री हिस्टोरिक टाइम में एक स्पीशी थी जिसका नाम था गोम्फोथीरियम ये अबाउट ट्वेंटी मिलियन इयर्स अगो उससे बनी है और जैसे टू पॉइंट सिक्स मिलियन इयर्स अगो जो क्लाइमेट है इसने चेंज करना शुरू किया था तो ये जो इरा है ये लेके आया था हमें मेस्ट्रोडॉन्स और मेमोज की तरफ तो आज आज जो लिविंग टाइम है अभी का प्रेजेंट टाइम है इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज़ के एलिफेंट्स आते हैं कि तीन स्पीशीज़ डिफरेंट हैं जो आती हैं एक अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, जिसको हम लोगज़ोडोंटा एफ्रीकैना भी कहते हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है जिसको हम लोगज़ो साइक्लोटिस कहते हैं और एशियन एलिफेंट है एलिफास मैक्सिमस क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है जी के किंगडम इनका एनिमलिया है फ़ाइलम इनका कॉर्डेटा है क्लास इनकी मैमलिया है और ऑर्डर है प्रोबोसीडिया है एलिफेंटिडी और सब फैमिली है एलिफेंटिनी और जीनस है लोक्डोंटा फ़ाइलोजनी क्या है जो डीएनए के सिक्वेंसिस के एनालिसिस किए गए तो पता चला कि जो अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स जो हैं ये इनकी जो डेट्स हैं वो 2.6 टू 5.6 मिलियन इयर्स अगो की हैं और जो डाइवर्जेंस है बिटवीन एशियन एलिफेंट एंड वली मेमोज की ये एस्टीमेट लगाया गया था 2.5 से 5.4 पॉइंट फोर मिलियन ईयरस जगहों की जो इनकी डेट्स आ रही थी तो इस चीज़ ने इस डाइवर्जेंस ने हमें इस चीज़ को मानने पे स्ट्रॉगली ये सपोर्ट किया कि ये दोनों डिस्टिक स्पीशीज़ हैं और जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है ये जो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसमें बहुत ज्यादा है और जो जीन फ्लो आता है अफ्रीकन एलिफेंट स्पीशीज में इसका एग्जामिन किया गया था 21 लोकेशंस पे और इसके एनालिसिस ने हमें ये बताया कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो कि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स का है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हाइब्रिडाइज हुए थे सवाना फॉरेस्ट के किसी ट्रांजिशन जोन में और जो सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ डीएनए है फोसल्स का एक एक्सटिंग फॉर्म थी यूरेशियन पैलियो लोक्ट एंटिकस इसने बताया कि ये जो अफ्रीकन फॉरेस्ट जो एलिफेंट है ये उससे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है देन अफ्रीकन बुश एलिफेंट तो पर जो लोक्सोडा की जो वैलिडिटी है वो अभी तक क्वेश्चन है मतलब उस पर अभी तक काम चल रहा है एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात करें कि जो एवोल्यूशनरी टाइम के साथ साथ इसमें जो चेंजेस आए हैं वो क्या हैं? वो थे कि इंक्रीज इन साइज एंड वेट क्योंकि जो पुरानी स्पीशीज थी वो पिग साइज थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये जाइंट्स होते गए इलांगेशन आई लिम बोन्स में

पिग साइज थे बोनोडॉन डेंटिशन थी प्रोबोसिस नहीं थी स्नॉट इनकी इलोंगेटिड थी और बॉडी भी इनकी इलोंगेटेड थी फर्स्ट लोअर इन्सीजे जो थे वो छोटे थे और सेकंड लोअर एनसीज जो थे वो बड़े थे सजेस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ टस्क इन लेटर स्टेजेस के इनसे जो बाद में आने वाली जो टस्क हैं वो इनसे बनी हुई हैं अब मोयिथीरियम से ओलीगोसिन में जो ये बने थे प्रोबोसिस इनकी शॉर्ट थी और अपर टस मोर लॉन्गेटेड था लोअर टस से तो इसने गिव राइज टू टू लाइंस ये थी बोनो मस्टोडॉन और दूसरी थी मस्टोडॉन्स बोनोमस्ट्रोड जो हैं ये थोड़े बहुत हमारे आज के एलिफेंट के साथ मिलते जुलते लग रहे हैं जो टस्क हैं है, प्रोबोसिस इसकी लॉन्ग है और इसने आगे से सेवरल लाइंस को वो बनाया था वो सेवरल लाइंस जो हैं वो साइड लाइंस में आती हैं वो मेन लाइंस में नहीं आती एवोल्यूशन के तो टेट्रालोफोडॉन्स क्या है टेट्रालोफोडॉन्स जो है ये लिव ड्यूरिंग प्लायोसिन इनकी फोर कस्ट इन फोर मिल्क टीथ थे एंड इन फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर टीथ जो प्रोबोसिस थी इनकी वो आज का जो एलिफेंट है उसके साथ मिलती जुलती हैं फोर टस्क इसकी प्रेजेंट है मोलर जो है वो इनके हाई क्राउंड है ईच मोलर विद फोर क्रॉसिंग कस्ट हैं और इसने आगे से डाइवर्ज किया दो ग्रुप्स में वो क्या है स्टीगोमस्टोडॉन्स और स्टेगलोफोड में स्टैगलोफोडॉन्स uh, जो हैं ये प्लायोसिन uh, टाइम में रहे हैं और इनके एर्ली रेकर्स थे वो जापान में देखे गए थे अर्ली शोइंग इंडिकेट्स के ये जो हैं ये बोनोडोट एंसेस्टर्ड हैं और ओनली अपर टस्क प्रेजेंट लोअर टस्क जो है इनकी एबसेंट है और स्टीगोड ये वाइडली बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टैगलोफोडॉन्स कुछ बिलीव करते हैं कि ये अफ्रीका के रहने वाले हैं और कुछ बिलीव करते हैं कि ये एशिया के रहने वाले हैं ये प्लेस्टोसीन इरा में रहे हैं और इनकी स्कल जो है वो शॉर्ट एंड है एंटीरियर पाथ ऑफ मैंडिबल जो है वो भी शॉर्ट एंड है लॉन्ग इनकी प्रोबोसिस है ह्यूज एंड जनरली लोअर टस्क आर एबसेंट टीथ जो है ये क्राउंड है और ये ट्रेडिशनली बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ लोकोडा और इनकी आगे से टू टाइप्स हैं एलिफास एंड जो हैं ये लाइक मॉडर्न एलिफेंट्स दे लिव ड्यूरिंग पलेस्टोसिन स्ट्रॉगली कर्व्ड एंड ट्विस्टेड टस्क इन और प्लेट नंबर एंड लेर फ्रिक्वेंसी इन टीथ इंक्रीज विथ टाइम मेमोसमेंट मॉडर्न एलिफेंट्स हैं ये क्या है जी ये टू जेंडर इनके हमारे पास एक अफ्रीकन हाई एलिट एसोडा लोक्टा इज ओनली टेक्सा विद रोम शेप लोव एंड फीडिंग पैटर्न इनका ब्रोइंग एंड ग्रेजिंग है अर्ली स्पीशीज ऑफ एलिफास है एलिफेंट्स आर करेक्टेड बाय देर ईयर्स मतलब जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके जो कान हैं वो पाम लीफ के जैसे बड़े बड़े होते हैं और जो एशियन है, एलिफेंट्स है, हैं इनके जो हैं हैं स्पेशल फैक्ट्स हैं एलिफेंट्स के वो क्या है कि ये जो लैंड के सबसे बड़े जानवर हैं और इनकी जो स्पीशीज हैं आप उनको कानों को देख के उनको सेपरेट कर सकते हैं जो इनकी ट्रंक्स हैं देर टक् वो हाथी के दांत खाने के और, और दिखाने के और वाला चक्कर इधर से ही आया है दे हैव गॉड थिक स्किन एलिफेंट्स आर कॉन्स्टेंटलीटिंग दे कम्युनिकेट थ्रू वाइब्रेशन और जो इनके बच्चे हैं वो पैदा होने के बीस मिनट के बाद खड़े हो जाते हैं